ये देखिए लग गया है, सहजन का पेड़ लाए थे हम लोग गांव से, जसवीर भाई ने लगवा दिया है। सतवन जी सब लोग मेहनत करके गड्ढा खोद के पूरा तैयार हो गया है। पंजाब में सरसों का साग कितना मशहूर है, कितना लोकप्रिय है, देखिए सरसों का साग तोड़ा जा रहा है। हमारे जसवीर भाई का ये खेत है, सरसों लगी हुई है, देखिए। जसवीर भाई तोड़ रहे हैं, सतवन जी दोनों लोग लगे हुए हैं। आइए दिखाते हैं सरसों का खेत आपको। मैं अभी चलूं अंदर, देखें, देखिए तोड़ रहे हैं, अब सरसों का साग बनेगा। लेकिन ये वाली सरसों वहाँ नहीं होती है, मक्के की रोटी सरसों का साग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मक्के की रोटी, वैसे तो ये रोटी भी चल जाती है, इसके साथ भी अच्छा लगता है, पर मक्के की रोटी और सरसों का साग मशहूर है। मक्खन डाला हुआ और उसमें मक्खन मिला के बढ़िया। देखिए जसवीर भाई अपने लगे हुए हैं, तोड़ रहे हैं। ये लगी है सरसों, देखिए यही है सरसों, इसी का साग बनता है। ये जो बड़ा बड़ा पत्ता दिख रहा है, देखिए, दिखाइए कहाँ तोड़ रहे हैं। रुकिए रुकिए एक मिनट, देखिए इतना ढेर सारा साग तोड़ लिया गया है। अच्छा, इसमें जो फूल लगे हैं तो निकाल दिए जाएंगे ना, पीले पीले? नहीं नहीं, ये भी उसमें बन जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा, जसवीर को कहें बोलने के लिए? जसवीर बताएंगे। जसवीर भाई बोलो बस, मक्की की रोटी और सरसों के साग से। हाँ जसवीर भाई बताइए, सरसों का साग तोड़ रहे हैं? हाँ हाँ। तो ये सरसों का साग तो बहुत मशहूर है, हमारे यहाँ यूपी में नहीं मिलता। पंजाब में बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है, हमारे यूपी में नहीं मिलता, हम लोग तरस जाते हैं सुखाने को। यहाँ और पंजाब में यहाँ आके खाते हैं, देखिए बहुत बढ़िया। हाँ काफी टूट गया है भाई, बिल्कुल ताजा। जय हो। अब ये तोड़ लिया गया, सफिशियंट है, अब बनेगा सरसों का साग। अभी हमने परसों खाया भी था, उसको फैला लो। अब इसमें देखिए टॉवल में फिलहाल रख के ले जाएंगे, सब काफी है। पहले कितना काफी? अभी और तोड़ेंगे। और तोड़ना है? हाँ। और तोड़ लीजिए। अच्छा अच्छा निकाले किसी में से, थोड़ा थोड़ा पत्ता है ना। हाँ हाँ, उसको निकाल देंगे। अच्छा चौड़ा पत्ता निकाल देंगे। हाँ, निकाल देंगे। जो इसको डंठल है इसको छील लेंगे। अच्छा डंठल को छील लेंगे। हाँ, डंठल को छील लेंगे, उसके बाद इसको बारीक बारीक से काट के बिल्कुल फिर इसको पकाएंगे। अच्छा हाँ, और जब जो पक जाएगा अच्छी से तो इसको बिल्कुल घोटना लगाते हैं उसको। अच्छा घोटेंगे इसको? घोटेंगे, उसमें थोड़ी सा मक्की का आटा डालेंगे। अच्छा अच्छा, उसके बाद घोटेंगे और फिर नून मिर्च मसाला लगा के बढ़िया। तो सरसों का साग बनाने में थोड़ी कठिन प्रक्रिया है? हाँ, कठिन प्रक्रिया, थोड़ी टाइम लगता है। टाइम लगता है, टाइम काफी लग जाता है इसमें। अच्छा ये वाली सरसों वहाँ क्यों नहीं मिलती यूपी में? है नहीं ये वाली नहीं है, वो जो सरसों रहती है वो तो कड़वाहट रहती है उसमें। नहीं, उसको अगर इस तरीके ढंग से बनाया जाएगा ना, छील के जैसे हम बता रहे हैं। अच्छा, तो कड़वाहट नहीं होगी। तो यही सरसों वहाँ लगी रहती है? यही सरसों वहाँ पे है। हाँ। यही है कि उसको अगर इसके डंठल को छील लिया जाए तो नहीं लगेगी कड़वाहट। अच्छा अच्छा। और फिर उसमें पालक डाल देते हैं, मेथी डाल देते हैं, तो वो टेस्टी बनती है। चलिए आप कभी बना के देखना वहाँ पे। हाँ, बन जाएगी बिल्कुल। लेकिन इसकी जो डंठल है ना बिल्कुल नरम चाहिए, अगर ज्यादा कड़े हो जाएंगे तो वो अच्छी नहीं बनती फिर। बिल्कुल नरम नरम तोड़ रहे हैं हम, जो तोड़ रहे हैं। ठीक है चलिए, सरसों जो है उसका भी अपना एक अलग अंदाज होता है बनाने का, ऐसे तो नहीं बनती वो, सब लोग नहीं बना सकते, एक्सपर्ट चाहिए इसके लिए, वही बना पाएंगे। चलिए बहुत है, बहुत है, लिए सरसों पैक हो गई, बांध ली गई है। ये देखिए सरसों का साग तैयार हो गया है और
कल वहां से तोड़ के लाए थे, आपने देखा था, भाभी जी ने तैयार कर दिया, किचन में रखा हुआ है, देखिए मक्खन भी है ऊपर बिल्कुल रेडी। तो यही बस असली चीज़ है, पंजाब के सरसों का साग, आप भी इसका देख के ही स्वाद लीजिए।